मन बैठा हुआ है, कंधा झुका हुआ है, आंखें नम है, हाथ जोड़कर संत समाज को हिम्मत दे रहे हैं अखिलेश यादव। ये तस्वीर महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन की है। जानते हैं क्यों नरेंद्र गिरी का जाना अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा नुकसान है? जैसे सिर से किसी अभिभावक का साया उठ जाता है, ये अखिलेश के लिए वैसा ही माहौल है। अच्छा या बुरा जैसा भी दौर रहा हो, महंत नरेंद्र गिरी ने अखिलेश यादव को हमेशा हौसला दिया। महंत जी ने मुलायम सिंह यादव को भी हिम्मत दी, क्योंकि इन दोनों नेताओं के संबंध महंत नरेंद्र गिरी से बहुत अच्छे रहे। महंत नरेंद्र गिरी जी आध्यात्म के क्षेत्र में उन्होंने लगातार साधु संतों को जोड़ने का काम किया, गुरु संत उन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। ये अपूर्णीय क्षति जो हुई है आध्यात्म के क्षेत्र में, ऐसे कम लोग होते हैं जो इतना बड़ा काम कर करके या करना चाहते थे। मैं जब भी संगम या यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला है, कई बार महंत नरेंद्र गिरी जी ने अपने आश्रम में बुला करके बहुत सी आध्यात्म की जानकारी देते थे। मुझे याद है जिस समय कुंभ हो रहा था, कुंभ के कार्यक्रम में भोजन से लेकर के सब इंतजाम से लेकर के स्नान से लेकर के जो कुंभ की परंपराएं थी उनके साथ करने का मुझे मौका मिला है। उनका परिवार तो है ही दुखी, हम सब दुखी हैं। मैं अपनी तरफ से आज उन्हें याद भी करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस अपूर्ण क्षत होने पर जो दुख हुआ है उनके अनुयायियों को, उनके साथी सहयोगियों को, उनके सहन करने की शक्ति मिले। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और नेताजी मुलायम सिंह यादव से हमेशा नजदीकियों के लिए चर्चा में रहे। 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे तब अक्सर महंत नरेंद्र गिरी उनसे मुलाकात करने जाया करते थे। महंत जी की लिखी हर बात को अखिलेश यादव ने हमेशा गंभीरता से लिया। कई बार महंत नरेंद्र गिरी ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद भी दिया। 2019 के कुंभ मेले में स्नान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब संगम नगरी आए तो सबसे पहले वो महंत नरेंद्र गिरी से मिलने पहुंचे। अखिलेश ने जब संगम में स्नान किया तो स्वामी नरेंद्र गिरी ने उन्हें पूजा अर्चना करवाई। स्नान के दौरान वो खुद भी उनके साथ थे। हालांकि ये मुलाकात बीजेपी के कई नेताओं को खटक गई थी, इसको लेकर कई नेताओं ने तंज भी कसा था। महंत नरेंद्र गिरी कई नेताओं के निशाने पर आ गए थे और उस वक्त खामोश रहकर महंत जी ने बीजेपी के नेताओं को जवाब दिया था। अब अखिलेश यादव ने महंत जी की मौत की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज से कराने की मांग की है कि अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अलग अलग खबरें आई हैं, जो मृत्यु हुई है उसमें भी कहीं न कहीं संदिग्ध जानकारियां मिल रही हैं। ये मिस्ट्री क्या है, क्या कारण था, ये बड़ा विषय है और न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महंत नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी सच्चाई सामने आए। उन पर सिक्योरिटी थी, वो कई बार कुछ चीज़ों को लेकर के अगर उनके मन में कोई शंका थी, अगर कोई परेशानी थी, अगर उनकी कोई जमीन को छीन रहा था या कोई कारण था, कम से कम सिटिंग जज जब इसकी जांच करेंगे तो वो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। साल 2004 की बात है, एक पुलिस अधिकारी ने महंत नरेंद्र गिरी को परेशान कर डाला। महंत नरेंद्र गिरी 2004 में बागंबरी गद्दी के महंत बने थे। तब डीआईजी ने जमीन के विवाद में हनुमान मंदिर के सामने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि बाद में महंत नरेंद्र गिरी की कानूनी तौर पर जीत हुई थी। डीआईजी आरएन सिंह उनके बागंबरी मठ के सामने धरना पर बैठ गए थे और उठने को तैयार नहीं थे। एसएसपी से लेकर कई आला अधिकारी उनकी मान मनवल करने पहुंचे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह उस वक्त यूपी नेपाल बॉर्डर पर पोस्टेड थे।
उन्होंने कितनी बार आर्यन सिंह को समझाया। विक्रम सिंह ने समझाया था कि शासन प्रशासन को धरना देना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने इस मामले की सीआईडी एंटी करप्शन से जांच करवाने को भी कहा था, लेकिन आर्यन सिंह तैयार नहीं हुए और आखिर में मुलायम सरकार को अनुशासनहीनता को लेकर आर्यन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो ऐसे थे अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के साथ महंत नरेंद्र गिरी के संबंध, जिसे आजीवन नहीं भुलाया जा सकता।